देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। और आज साथ की बात में उन मुद्दों पर बात होगी जो कि आपसे जुड़े हैं। ये मुद्दे आपकी जिंदगी में भी दखलंदाजी लगातार कर रहे हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे ग्रेटर नोएडा का। ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के अंदर आने वाले लगभग 6 गांवों को दूसरी जगह सेक्टर बनाकर विस्थापित किया जा रहा है। लेकिन हल्की सी बारिश ने यमुना प्राधिकरण की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। शिफ्ट किए जा रहे ग्रामीणों के घरों में बनने से पहले ही हल्की सी बरसात से दरारें आ गई हैं। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। कई जगह दीवारें गिर गई हैं और सड़कें टूट गई हैं। जगह जगह पानी भर गया है। किसान ग्रामीण इस तपती गर्मी और बरसात में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। न बिजली है, न पानी है और न ही शौचालय। अभी तक ग्रामीण पूरी तरह से मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित चल रहे हैं। राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जो जेवर में बनने जा रहा है इसके अंतर्गत आने वाले 6 गांव को सेक्टर बनाकर शिफ्ट करने की कवायद काफी दिनों से चल रही है। ये लगभग 3000 परिवार हैं जिनको इस सेक्टर में बसाया जाना है। किसानों को इस सेक्टर में बसाने का काम भी किया जा रहा है। आधी अधूरी तैयारियों के साथ प्रशासन और यमुना प्राधिकरण ने गांव में बने किसानों के आशियानों को पहले जेसीबी चलाकर उजाड़ दिया। विस्थापित किसानों के लिए अभी वहां पर बिजली पानी शौचालय नहीं बने हैं, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। ग्रामीण पूरी तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं। फिलहाल मौसम बरसात का है और एक ही दिन की हल्की सी बारिश क्या हुई, प्राधिकरण की पोल खुल गई है। सड़कों में लबालब पानी भरा हुआ है, सड़कें धस गई हैं, कई जगह से सड़कें टूट गई हैं। उस कॉलोनी के अंदर बना रहे घरों की दीवारों में दरारें आ गई है। वही दीवारें गिर गई है तो कहीं छत गिर गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की आधी अधूरी तैयारियों से किसानों का आशियाना बनने से पहले ही बिखरने लगा है। किसानों का कहना है कि प्राधिकरण ने जल्दबाजी में हमारे गांव के घरों को खाली कराकर तोड़ दिया। इस कोरोना काल में और बरसात में किसान प्राधिकरण की लापरवाही से खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। वहीं इस मुद्दे को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, पहले वो सुनते हैं। जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों से आज कोई बचा हुआ नहीं, चाहे वो किसान हो, उत्तर प्रदेश की महिलाएं हो, नौजवान हो, सभी लोग इनकी गलत नीतियों से आज उत्तर प्रदेश के तमाम लोग झेल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे आप किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, सुरक्षा को लेकर बात करें, अपराध की बात करें, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें, सभी चीजों पर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से आज तमाम लोग इससे जूझ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जाना चाहिए था तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार निंद्रावस्था में थी। जब उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जरूरत थी तब उत्तर प्रदेश की सरकार निंद्रावस्था में थी। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात रही तब उत्तर प्रदेश की सरकार निंद्रावस्था में थी। अब तो आलम यह है कि उत्तर प्रदेश इस तरह भी जवाब देना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार भी जनता को दिखने लगा है। तमाम विफलताओं के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि अगर कोई आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जा सकता है और उत्तर प्रदेश को विकसित कर सकता है, नौजवानों को रोजगार दे सकता है, तमाम लोगों को महिला सुरक्षा दी जा सकती है, तमाम लोगों को व्यवस्थाएं दी जा सकती है, तो आगे अखिलेश यादव भी आने वाले 22 के चुनाव में जी जेवर एयरपोर्ट को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितना प्रचार किया, कितना प्रचार पर जनता के धन को खर्च करने का काम किया। आखिर उसी जेवर एयरपोर्ट को बनाने जहाँ पर बना उसके विस्थापितों के साथ सरकार ने एक क्षण भी कोई मुरव्वत नहीं की। वो अव्यवस्थाओं में जीती गए, विस्थापित अव्यवस्थाओं में जीवन अपना व्यतीत करें, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे किसी तरीके से गुजर बसर करें। उनके लिए सरकार की जो जिम्मेदारी थी केवल व्यवस्थाएं सुनिश्चित करती कि उनको अपने जीवन को जीने के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाए। जहाँ पर उन विस्थापितों को स्थापित किया जा रहा था उनको मानक के अनुरूप जो है व्यवस्थाएं उपलब्ध हो तो सरकार ने किया नहीं। सरकार को पूरी तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, इसने जनता को एक तरीके से अव्यवस्थाओं के बीच में जीवन जीने के लिए विवश कर रखा है।
लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, इस देश के अंदर पूरी तरीके से तानाशाही है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर कोरिया और चीन के राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश और भारत में शासन कर रहे हैं, कोई किम जोंग बनकर घूम रहा है तो कोई जिनपिंग बनकर घूम रहा है, और जनता की किसी को भी परवाह नहीं है। अगर जनता की परवाह होती तो जिला इलेक्शन से जो लोग विस्थापित किए गए उनके साथ ये हक सरकार ने अदा किया होता। क्योंकि जिला एयरपोर्ट पर काम अभी चालू हो रहा है, जमीन का अधिग्रहण इस समय चालू है, और वहाँ पे जो विस्थापित किए जा रहे हैं वो सरकार उनको पूरी तरीके से बताएगी। अभी फिलहाल उनको टेम्परेरी व्यवस्था में रखा गया है, और जो वहाँ से लोग वहाँ विस्थापित किए जा रहे हैं उनको उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी, उनके सारे सामान दिए जाएंगे। वो एक लिखित उनका जो नाम होता है उस नाम से अलग हम नहीं कुछ करेंगे, उनके लिए हम बेहतर व्यवस्था करेंगे। चूंकि जमीन का अधिग्रहण करके काम शुरू करना है, इसलिए जमीन जहाँ अधिग्रहण होगा वहाँ से किसानों को हटाया जा रहा है और टेम्परेरी व्यवस्था में उनको रखा जा रहा है। इसलिए अचानक जब तेज बारिश आ गई तो थोड़ी सी अव्यवस्था हुई, उस अव्यवस्था को प्रशासन ने दूर कर लिया और अब बाकी लोगों को सारी व्यवस्थाएं हम मुहैया करा रहे हैं, और आने वाले दिनों में उनको उनके लिए रिहाइश की व्यवस्था कराना सरकार का काम है। वो सरकार के साथ उनका एग्रीमेंट है, सरकार के साथ उनका उसकी बाध्यता है सरकार की, सरकार करके देगी इस चीज को। तो इसको इस बात को अभी पहली बरसात जैसे ही आई है और बरसात काफी तेज चुकी हुई है, तो थोड़े जो आधे अधूरे थोड़ा बड़ी आधा अधूरे से कहूंगा कि टेम्परेरी व्यवस्था आधी अधूरी ही होती है, उसमें थोड़ी सी खामियां आई है, उसको जल्द समय रहते शासन द्वारा दूर कर लिया जाए। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष ने निशाना साध दिया तो सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन यहाँ पर किसानों के साथ क्या हुआ और लोगों के साथ क्या हुआ वो उनकी जबानी ही बताते हुए नजर आए हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। दरअसल किसानों का कहना है कि यहाँ पर किसानों को बचाने के लिए सेक्टर बनाए गए हैं, लेकिन ये सेक्टर सही तरीके से मानकों पर काम नहीं कर रहे। सड़कें भी कुछ ही महीनों में टूटने लगी है, मकानों में दरार आ गई है, मिट्टी को प्रॉपर तरीके से दबाया नहीं गया है, जबकि इस वजह से मकानों के अंदर दरारें आना शुरू हो गई है। कॉलोनी में बने कई मकानों की दीवारें गिर गई हैं। ये तो शुक्र है कि कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ। हालांकि प्राधिकरण ने किसानों को मटेरियल का अलग से 5 लाख रुपए दिया है। सुनिए क्या कहना है स्थानीयों का। कुछ नहीं बताया हमें किसी भी तरीके से, बाकी हम यहाँ के बनाए मकान बनाने को लगे अभी यहाँ लगे एक बारिश हुई, अभी बारिश की शुरुआत है, बारिश पूरे मकान आप देख लो अच्छे तरीके से। हमें ये कहेंगे कर दिया था सिर्फ, तो वहाँ जाओ यहाँ अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, जैसे भी हमारा मकान खुद बुलाए जैसे भी से गाड़ी पत्थर भी नहीं उतारने दिए, पत्थर पत्थर हमारा जो हमारा मन बच्चा ऊपर का बचा बचने वाला वो भी नहीं बचा, जबरदस्ती जैसे भी से गिरा के पार हो गए। आगे किसान का कहना है कि जेवर में बन रहे किसानों के लिए सेक्टर में यमुना प्राधिकरण के ठेकेदार ने लापरवाही से काम किया, जिसकी वजह से सड़क बनने से पहले ही टूटने लगी, मकानों के अंदर दरारें आ गई हैं, कई मकानों की दीवारें गिर गई, सड़कों को पूरी तरह से मानकों पर नहीं बनाया गया, सड़क बनाते समय उनमें मटेरियल सही नहीं लगाया गया, सेक्टर की मिट्टी बरसात के कारण बैठने लगी है, कई जगह सड़कों में पानी भर गया है। सुनिए आप जो है बारिश होता है, बारिश के बाद में वहाँ पे शिफ्टिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस
उसके बाद में नहीं साहब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये वो दुनिया भर का चल रहा है, किसी से बचा थोड़ा बहुत ही कौन अधिकारी दिए गए तो उनसे कोई बात करो तो सीधे से बोले कि साहब आप तो बदतमीजी कर रहे हो, हम पैदा में साहब उनसे क्या बात कर क्या क्या बात कर सकते हैं, अधिकारी आदमी हो तो आमने सामने उनसे थोड़ी बात भी नहीं करें। अब हम कि हाँ इसकी यहाँ का आपको क्या क्या खामियाँ पता चली, आप हम जब यहाँ आए तो आप हमारे साथ में कर रहे हैं, तो इनने क्या कहा था कि जो मट्टी करते हैं वो मट्टी गिरवा दे वो कौन से रोलर चलवा दी, अगर उन्होंने मट्टी गिरवाई दी और उस मट्टी को दूसरी छोड़ देते रोलर से चलवा दे तो आदमी जो है उसको तो बच जाता है कि भाई यहाँ पे घटना है और यहाँ समतल जगह, लेकिन क्यों क्या कहता है तो घटने में मट्टी गिरवा दे उसमें रोलर चलवा दिए, रोलर चलवाने के बाद में जमीन को आदमी को ऊपर से खरीद नहीं देगी रोलर चलाए तो मानकों के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा। यमुना प्राधिकरण के ACO रविंद्र कुमार, GM KK सिंह ने टीम ले जाकर वहां पर निरीक्षण भी किया था, कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, वहां पर बन रहे सामान के मटेरियल के सैंपल भी लिए थे, लेकिन बार बार पूछने पर भी प्राधिकरण के अधिकारियों ने उस सेक्टर में बन रहे सैंपल की जांच क्या रही ये नहीं बताया, उस जांच में क्या रहा ये भी नहीं बताया। लेकिन अगर इसी तरह से लोगों को परेशान किया गया तो जवाब दें कि आखिर किसकी होगी जब अधिकारी ही जवाब नहीं देंगे। तो आगे बढ़ते हमारी अगली खबर का रुख करेंगे, कई OTT प्लेटफॉर्म जिन पर एडल्ट कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है, दरअसल बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और OTT प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गौर से सुनिएगा, ये खबर आप सभी लोगों से जुड़ी हुई है। राज कुंद्रा बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं। राज कुंद्रा पर आरोप लगे हैं कि वो हॉटस्पॉट नाम के एक ऐप पर एडल्ट कंटेंट अपलोड करते थे। देखिए, भारत में पोर्नोग्राफी पूरी तरीके से अवैध है, कई देशों के मुकाबले इस मामले में भारत में कानून बेहद सख्त है, लेकिन ऐसे कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिन पर एडल्ट कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है। आज के दौर में इस कोविड काल में कई बड़ी फिल्में भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, ऐसे में आज के दौर में तमाम ऐसे यंगस्टर्स हैं जो 18 साल से कम भी हैं और 18 साल से ऊपर भी हैं जो OTT प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, लेकिन डिजिटल के इस दौर में एडल्ट कंटेंट को एरोटिक कंटेंट कहकर बेचा जाता है। इन फिल्मों में न्यूडिटी से लेकर चीप कहानियों की भरमार है। OTT प्लेटफॉर्म एडल्ट कंटेंट का एक नया जरिया बन गया है, इस तरह के कंटेंट को लोग सब्सक्रिप्शन लेकर देखते हैं। इन OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो इस लिस्ट में कुछ छोटे बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिन पर एरोटिक कंटेंट दिखाए जाने को लेकर रिपोर्ट है। वहीं हॉटस्टार, डिजिटल एंटरटेनमेंट के अलावा ऐसे कई एप्स और भी हैं जैसे फ्लीज मूवीज, कुकू, प्रिंटफ्लिक्स, आज शॉर्ट, गुपचुप, जिन पर अश्लील कंटेंट की भरमार है। वहीं गंदी बात, XXX, दुबे जी एंड द बॉयज, कविता भाभी जी जैसे शोज पर भी सवाल उठते आए हैं, लेकिन ये अभी भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इन एप्लीकेशन के एंड्रॉइड ऐप पर डाउनलोड लाखों में है। कुकू ऐप को 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। फिल्म मूवीज ऐप को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। वहीं प्राइम फ्लिक्स को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। गुपचुप ऐप को भी 1 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। वहीं बॉलीवुड में काम करने के लिए छोटे बड़े शहरों से न्यू कमर मुंबई पहुंचते हैं। वेब सीरीज में काम करने के नाम पर वो ऐसे प्लेटफॉर्म में भी फंस जाते हैं। दरअसल शुरू में फिल्मों, सीरियल, वेब सीरीज आदि के नाम पर और
करते हैं, लेकिन शूटिंग के वक्त एन मौके पर सेट में बदलाव की बात कहकर उनसे सेमी न्यूड फोटो शूट कराए जाने के भी आरोप लगे हैं। कई मॉडल्स ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है, लेकिन कुछ समाज सेवी हैं जो इसके खिलाफ हैं और लगातार बयान दे रहे हैं। सुनिए। और जिस तरीके से वो क्रिकेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये वीडियो और सारी चीजें पहले हम की थी और आप जिस तरीके से उसका इस्तेमाल करके इसके फोटोग्राफी हो रही है और तस्वीर चीजें दिखाई जा रही है, बॉलीवुड में इस तरीके की चीजें हो रही है, तो जो भारत के कानून के खिलाफ है, तो इसलिए रामकुमला जो गिरफ्तार है इसमें और भी कड़ियां खुलनी चाहिए कि वो किस तरीके से दिल्ली में सत्ता काबिज करने के बाद गुजरात समेत उत्तराखंड पे भी अपने पैर पसारने की लगातार कोशिश कर रही है और जो दावे वादे हैं वो है फ्री बिजली, फ्री पानी। और इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड दौरे पर रहे, जहां पहले उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसान बॉर्डर पर उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद वो जीवनदीप आश्रम के श्री चंडी महायज्ञ में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तराखंड की जनता के सामने आज एक तरफ भाजपा है जिसमें कई मुख्यमंत्री बदले गए पर प्रदेश की जनता को ये संतुष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि आज बिजली आम आदमी की जरूरत है और उसे मुक्त करना बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कांग्रेस से बागी हुए 11 विधायकों को पार्टी में शामिल क्या किया जाएगा, तो ऐसे में इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उनका ऐसा कोई विचार नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी में क्रिमिनल और दागे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। इससे साफ होता है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरी तरह से अपनी पैंट बिछाने की कोशिश कर रही है। सुनिए क्या कहते हैं मनीष सिसोदिया। अपने परिवार के लिए, अपने दिल्ली परिवार के लिए, उत्तराखंड परिवार की खुशहाली के लिए, पूरे देश की खुशहाली के लिए माता से आशीर्वाद मांगा, प्रार्थना की माता के चरणों में। और उसके बाद में शहर के अलग अलग कुछ क्षेत्रों में जाके आम लोगों के बीच गया, रेस्टोरेंट में, मार्केट में लोगों से मिला, जाके युवाओं से मिला, महिलाओं के रूप में बैठा, जाके बात की, स्टूडेंट्स के बीच गया, बुजुर्गों के बीच गया, प्रोफेसर के बीच गया, ऐसे ही कुछ लोगों से रास्ते में एकदम आम आदमियों से। और मैंने उनके बीच एक सवाल रखा, मैंने उनके बीच कहा कि उत्तराखंड के लोगों के सामने आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसमें थोड़े दिन पहले तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, जिनका लिखने था जीरो वन चीफ मिनिस्टर। उसके बाद तीरथ सिंह जी आए, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, भ्रष्टाचार ही है, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला या देश की सेवा करने वाला ईमानदार मुख्यमंत्री होना चाहिए, कट्टर देशभक्त होना चाहिए, कर्नल को क्या पता चाहिए। तो बात युवाओं ने भी कहा साहब, अगर कर्नल को क्या साहब जैसा बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मुझे मिला मेरे सवाल के जवाब में। मेरा सवाल इस प्रश्न की क्या कर्नल कोटियाल जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये तो मेरी छोटी सी यात्रा थी, मैं यज्ञ में शामिल होने आया था, तो इस अवसर का इस्तेमाल मैंने उत्तराखंड के शहर में
छोटे छोटे समूह के सामने किया। आज मैं देश के माध्यम से मीडिया के माध्यम से यही सवाल उत्तराखंड के सभी भाइयों और बहनों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा छोटे से समूहों में मैंने जवाब दिया तो बहुत उत्साह में नक्शा मिलेंगे, तो पर मैं उत्तराखंड के तमाम वोटर्स के सामने, उत्तराखंड के बच्चों के सामने, उत्तराखंड की महिलाओं के, भाइयों के, बहनों के, बुजुर्गों के, सबके सामने आज ये सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या कर्नल कोटियाल जी जैसा व्यक्तित्व उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं आज आप सब पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि मेरे इस सवाल को जनता तक पहुंचाएं ताकि जनता अपने दिल से इसका जवाब दे सके कि क्या कर्नल कोटियाल जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड का भावी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो यही सवाल रखने में आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया था, मैंने थोड़े से लोगों से पूछा था, जवाब बहुत पॉजिटिव था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से अगर ये सवाल जनता तक पहुंचेगा तो जनता के बीच से जवाब भी आएगा। आम आदमी की जरूरतों का ही आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, मुझे किसी से बात भी करनी है तो आज मोबाइल में बिजली से चार्ज हो रहा है, मुझे अपने बच्चे पढ़ाने घर में रोशनी चाहिए। उत्तराखंड तो बिजली पैदा करने वाला वो आगे देश का, यहाँ पर बिजली की मिली वजह रही है भ्रष्टाचार, वजह रही है बेईमानी। जैसे पार्टी कर चुकी है सभी चीजों को चुनाव लड़ेगी, उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी समस्या है अच्छी शिक्षा ना मिल पाना। दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुनके उनको मौका दिया, तो केजरीवाल जी की सरकार ने जो देश के सामने मॉडल बचा जिसमें एक तो दिल्ली का ही काम है सबसे ज्यादा जो प्रमुखता से लोग चर्चा करते हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत खराब है। आज यहाँ की शिक्षा अच्छी न होने के कारण भी लोगों का पलायन है, बेरोजगारी की वजह भी है, लेकिन यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है लोगों को। चलिए आपकी बात बहुत हो गई, अब जरा आम आदमी की बात कर लेते हैं। गुरुवार 22 जुलाई 2021 के लिए पेट्रोल और डीजल का भाव जारी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में गिरावट के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार पांचवें दिन भी पेट्रोल डीजल के भाव को स्थिर रखा है, लेकिन ये आपके लिए कितना सही है वो आगे आपको पता चलेगा। जानकारों का कहना है कि अगर कच्चा तेल में गिरावट का दौर जारी रहता है तो घरेलू तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम कम करना भी शुरू कर देंगी। हालांकि अभी भी देश भर में ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। कई शहरों में पेट्रोल का भाव अब भी 100 रुपए प्रति लीटर के पार है। इंडियन ऑयल के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के भाव में अंतिम बार शनिवार को बदलाव हुआ था। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 5 दिनों से नहीं बढ़े हैं, लेकिन इससे आम जनता को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये स्थिरता बनी रही तो शायद आम जनता को फायदा हो सकता है। राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों की, तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर यूपी सरकार की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को गुरुवार को ढहा दिया गया। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से रोहांगिया कैंप लगे हुए थे जिन्हें बुलडोजर से तोड़ा गया। मदनपुर खादर इलाके में सुबह 4 बजे से ही बुलडोजर चलाकर एक्शन लिया गया। यहां करीब 5.21 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था जिसे अब अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इस जमीन की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एक कार्रवाई की गई है बहुत ही स्वागत योग्य है। इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ उत्तर प्रदेश के द्वारा बल्कि मैं अपनी
अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई समूचे देश के अंदर प्रत्येक प्रदेश की सरकारों के द्वारा किया जाना केंद्रीय की आवश्यकता है, क्योंकि रोहिंग्या जिनको अपने देश में म्यांमार के अंदर स्वीकारता नहीं है और वो आप भारत में आकर अपनी आर्थिक गतिविधियाँ जारी रखने का प्रयास करते हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी जमीनों को हथियाना, तमाम तरह के अतिक्रमण को बढ़ावा देना, तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए न सिर्फ प्रदेश की सरकार को, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को, बल्कि समूचे भारतवर्ष की सरकार को और तमाम प्रांतों की सरकार को एकजुट होकर एक कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि सरकार माफियाओं की अवैध जमीन और संपत्ति लेकर उसे गरीबों को देने का काम कर रही है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में तमाम अवैध जमीनों को कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे साफ की बात में आपसे जुड़े मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।